हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं नई नवेली किया सोनेट फेसलिफ्ट का एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट और एक डिटेल्ड रिव्यू भी। ये है इस गाड़ी का 1 लीटर टर्बो 7 स्पीड DCT वेरिएंट, जो तकरीबन ऑफिशियल फिगर्स 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में आता है। 120 PS की पावर, 174 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी है किया की ये सोनेट। और पहले इस गाड़ी का हम फुल टैंक करवा लेते हैं, उससे पहले मैं आपको ओडो दिखा देता हूँ। ओडो जो है अभी गाड़ी का वो है तकरीबन 534 पर है यहाँ पे। और रन ट्रिप इसकी रिफ्यूलिंग जीरो है, लास्ट रीसेट हमने जीरो कर दिया है। और अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी कुछ आपको नया दिखाई देने वाला है। एक तो ये काफ़ी स्टाइलिश ही दिखाई देने वाली, आपको LED नज़र आएंगी टेल लाइट के अंदर। बूट स्पेस मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है सेगमेंट का सबसे बड़ा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो इस तरह के तो आप 5 बैग रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो टैंक हमने फुल करवा लिया है और अब इस गाड़ी को लेकर जाएंगे भोपाल सिटी के अंदर। हम इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे और टुवर्ड्स इंदौर जाने वाले हैं। आपको नए अलॉय व्हील्स भी दिखाई देने वाले हैं। ऑल 4 टायर्स में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी आप मिलेंगे किया सोनेट के अंदर। फ्रंट में आपको दिखाई देने वाली काफ़ी अच्छी DRLs हैं। फ्रंट बम्पर के अंदर चेंजेस किए गए हैं गाड़ी के, और रियर में तो बदलाव हुए ही हैं। यार, इंडियन मार्केट को किसी मैन्युफैक्चरर ने अगर ढंग से समझा है ना, तो वो है किया। मतलब जब भी गाड़ी लेकर आए ना, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने गाड़ियों के अंदर, और कुछ अलग लेकर आए। जब सेल्टोस लॉन्च की थी तो उस समय उस सेगमेंट के अंदर फीचर्स के नाम पे कुछ खास आता नहीं था, बट सेल्टोस के अंदर भी 360 कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे काफ़ी सारे फीचर्स लेकर आए। और उसके बाद उसका जब फेसलिफ्ट आया, उसके अंदर एडास आ गया। एडास के साथ साथ बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए, और वही किया है किया ने किया कि सोनेट के साथ में कर दिया। मतलब सब कुछ दे दिया गाड़ी के अंदर। लेने जाओगे आप गाड़ी, आपको एडास भी मिलेगा, आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी, वायरलेस मोबाइल चार्जर भी आपको मिलने वाला है, 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिलने वाला है, और आप मोबाइल के अंदर ही आप कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं। गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो, आप मोबाइल से कैमरे से आप इधर उधर की वीडियो है ना, जो चारों कैमरों की, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सनरूफ आपको मिलेगी, ऑल 4 टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और भरपूर आपको यहाँ पे फीचर्स नज़र आएंगे इस गाड़ी के अंदर। टर्बो इंजन चाहिए 1 लीटर टर्बो 7 स्पीड DCT के साथ में, 6 स्पीड IMT के साथ में। आपको NA इंजन चाहिए, 1.2 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। आपको 1.5 लीटर डीजल भी मिलने वाला है, मैनुअल के साथ भी, ऑटोमेटिक के साथ भी। तो यहाँ पे आपको हर तरीके के, मतलब कुछ भी कमी मुझे नज़र नहीं आती है गाड़ी के अंदर की आने छोड़ी हो। आपको बड़ा इंफोटेनमेंट, सेम वही इंफोटेनमेंट है जो आपको सेल्टोस के अंदर मिल जाता है। फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल, काफ़ी अच्छी स्क्रीन क्वालिटी के साथ में। मतलब मज़ा आ गया है इस गाड़ी के अंदर। फीचर्स अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर दे ना, तो एकदम से इतने दे दे कि लेने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि यार, मतलब इतने सारे फीचर्स इस प्राइस में कैसे कोई दे सकता है। अच्छा, प्राइजिंग क्या होगी वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहने वाली है सेगमेंट की, अगर आप गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, और उसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द हो जाएगी। बट इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले तो हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इको मोड के अंदर। ये 7 स्पीड DCT वर्जन है, जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में आता है। 174 Nm की टॉर्क, 120 PS की पावर, और 80-90 के आसपास की स्पीड में हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं भोपाल से टुवर्ड्स देवास। ये जो रोड है ये जा रहा है, खाली रोड है, सुबह का टाइम है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, बट हाँ 80-90 पे आराम से हम क्रूज कर पा रहे हैं। सुबह के टाइम हमने गाड़ी को ड्राइव किया है भोपाल सिटी के अंदर भी। और ड्राइविंग सीट में बैठते ना यार, आप सबसे पहले कंफ्यूज होने वाले हैं कि आप कोई सब 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी ही चला रहे हैं ना। मतलब इतना बढ़िया आपको यहाँ पे फील, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, सब कुछ नज़र आने वाला है। कनेक्टिविटी के फीचर्स लाजवाब मिले हैं गाड़ी के अंदर। स्टेयरिंग के ऊपर बढ़िया लेदर रैपिंग, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और एडास भी आ गया है। एडास आपको मिलेगा अब किया कि सोनेट के अंदर। Level 1 है, रडार नहीं है, कैमरा बेस्ड है, बट कैमरा और जो साइड वाले कैमराज वगैरह है ना, ये काफ़ी अच्छे से उसको काम कर लेते हैं। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, आप जैसे साइड एंड इंडिकेटर के लिए आप यहाँ पे इसको लीवर को पुल करेंगे, तो आपको एक स्क्रीन आपकी स्पीडो के अंदर दिखाई देने वाली है उस कैमरे की। और अगर मैं इधर का इंडिकेटर देने वाला हूँ, तो इस कैमरे की स्क्रीन मुझे दिखाई देने वाली, पीछे से कुछ आ नहीं रहा हो। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फीचर्स आए गाड़ी के अंदर। गाड़ी मज़ेदार है यार, मतलब इको मोड है। अभी मैं अगर इसको स्पोर्ट्स मोड पर करता हूँ, तो स्पोर्ट्स मोड में तो ये मतलब
माइलेज चाहिए तो आप ईगो मोड में चलाते रहिए, पावर चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड में कर लीजिए। 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स है, टर्बो पेट्रोल इंजन है ये, और इसके अलावा भी इसमें दो इंजन ऑप्शंस और आते हैं, 1.5 लीटर डीजल, 1.2 लीटर पेट्रोल। अगर आपको उन वेरिएंट्स का भी माइलेज टेस्ट और रिव्यू देखना है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, गाड़ी की हम बात करें, परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था, तो 120 PS की पावर, 174 Nm का टॉर्क भरपूर है एक फन राइड में कन्वर्ट करने के लिए आपकी डेली राइड को। और देखते ही देखते मैं अभी पहुंच गया हूं 140 की स्पीड के आसपास हूं अभी, और 5000 RPM के ऊपर 140 की स्पीड में D4 में मैं अभी ड्राइव कर रहा था। 7 स्पीड का गियरबॉक्स है ये, तो यहां पे आपको मज़ा आने वाला है यार। और अगर हम इसको इको में कर देते हैं तो वापस से माइलेज मिलनी चालू हो जाएगी। अच्छा, टर्बो इंजन की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, अगर आप टर्बो जोन को हिट नहीं करते हैं, लाइक मैं अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ 90 की स्पीड पर और गाड़ी चल रही है 2000 RPM पर 7th गियर के अंदर, तो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर यहाँ पे माइलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी गाड़ी से। यहाँ पे आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, और आप अगर आप ओवरटेक करना है थोड़ा सा प्रेस कीजिए, थोड़ा लैग जरूर आपको फील होने वाला है कि प्रेस करने के काफ़ी देर बाद आपको लगेगा कि गाड़ी पिक करना चालू कर रही है, तो वो लैग आपको ज़रूर फील होगा गाड़ी के अंदर। बट जैसे आप प्रेस करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देने वाला है गियर्स ड्रॉप हुए, गाड़ी ने पकड़ ली स्पीड और आ गया फन। और पैडल शिफ्टर्स भी आप यहाँ मैनुअली भी इनपुट देना चाहें तो, अभी मैं जैसे मैंने माइनस किया है 6th गियर 5th गियर, तो इस तरीके से आप यहीं से भी आप चेंज कर सकते हैं इसके, तो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। बाकी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर आप लेकर जाएं गाड़ी को, तो आपको यहाँ पे वेंटिलेशन ऑप्शन मिला है, आपको ये बटन प्रेस करने हैं फ्रंट बोथ सीट्स के ऊपर, 3 स्टेप की वेंटिलेशन है, 1, 2 और 3, तो आपको बढ़िया से यहाँ पे कूलिंग फील होना शुरू हो जाएगी। तो स्वेटिंग अगर आपको होती, मेरे को काफ़ी स्वेटिंग होती है लॉन्ग ड्राइव पर पीठ में, तो वहाँ पर ये वाले फीचर्स आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। बढ़िया आपको यहाँ पे ड्राइवर आर्मरेस्ट मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं ड्राइविंग डायनेमिक्स की, तो यहाँ पे भी मतलब गाड़ी शॉर्टेड है बिल्कुल, यहाँ पे आपको कोई कमी नज़र नहीं आने वाली। बढ़िया आपको यहाँ पे बॉडी रोल कंट्रोल्ड है, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा गाड़ी के अंदर। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, आपको लगेगा नहीं कि आप एक सब 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी को ड्राइव करने, आपको एक अबव सेगमेंट वाली फील आने वाली है, मतलब साइलेंट है। एक तो आप रोड नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा केबिन के अंदर आपको होती नज़र नहीं आएगी। सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, ख़राब रास्ते के ऊपर अगर मैं गाड़ी को नीचे उतार दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर राइड काफ़ी बेहतरीन है यार। मतलब अभी मैं एक टायर मेरा नीचे उतरा हुआ है और मैं 80 की स्पीड पर गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो मतलब सस्पेंशंस भी काफ़ी बेहतरीन मिले हैं, सॉफ्टर साइड है। स्टेयरिंग फीडबैक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जैसा वेट चाहिए होता है ना गाड़ियों में आमतौर पर, एक डेली यूज गाड़ी के अंदर वैसा आपको फील होने वाला है। जैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, अभी 90-100 की स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग के अंदर काफ़ी अच्छा वेट फील होने वाला है, और जैसे जैसे आप स्पीड कम करते हैं तो थोड़ा लाइटर फील होता है, बट मतलब मज़ा आने वाला है आपको स्टेयरिंग से। ओवरऑल सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं, एडास आने की वजह से आपकी ड्राइव और सेफ हो गई है, एयरबैग्स आपको 6 मिलने वाले हैं। सेफ्टी में तो मतलब तमाम आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच, यहाँ पे हेडरूम ठीक ठाक मिल जाता है, सनरूफ है, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आपको मिली है आगे पीछे करने के लिए और रिक्लाइन करने के लिए। अप एंड डाउन के लिए आपको मैनुअली ही लीवर को ऊपर या नीचे खींचना होगा, जैसे नॉर्मली हम पंप करते हैं वैसे करना होगा। एक और जो छोटी सी कमी मुझे फील हुई ना मेरी हाइट के लिए, वो ये सीट से, सीट थोड़ी सी छोटी मुझे फील हो रही है, हल्की सी अगर बड़ी होती तो बेटर रहता, बट हाँ अगर आप एक एवरेज इंडियन की हाइट देखें तो उसके हिसाब से सीट्स परफेक्ट हैं। बाकी तो ब्रेक्स में भी एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑल 4 टायर्स में डिस्क ब्रेक है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस 100 से लेकर 0 वाला है ना, वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक्स यूज करके देखूँ एक बार, तो यहाँ पे ब्रेक्स में आपको एक इम्प्रूवमेंट फील होने वाली है, जो शिकायत थी पुरानी सोनेट के अंदर, यार ब्रेक्स की बाइट और अच्छी रखी जा सकती थी, वैसी कंपनी ने अब सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर रखी है। तो गाड़ी चल गई है पूरे 210 किलोमीटर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 210 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और ओडो है इसका 744, जब हमने ड्राइव चालू की थी तो 534 के आसपास था, और यहाँ माइलेज आ रही 16.5 की। पहले इसका फुल टैंक करवा लेते हैं, देख लेते हैं फुल टैंक टू फुल टैंक क्या माइलेज आती है, और MID और फुल टैंक में क्या डिफरेंस है। सो
सो 13.1 लीटर फ्यूल लिया है गाड़ी ने 210 किलोमीटर चलने के लिए, और उस हिसाब से जो माइलेज निकल के आई ना 13.1, 16 किलोमीटर पर लीटर की फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज है, एमआईडी के अंदर है 16.5 के आसपास की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइलेज आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।